7th of August, 14. 7th of August 2014. Okay. Withdrew cash for personal use. Withdrew cash for personal use rupees 2000. Tell me, withdrew cash for personal use. So imagine करो क्या हुआ? किसने withdraw किया होगा ये cash personal use के लिए? Owner. Business में से owner लेके गया होगा. So think about the two accounts. Drawings account. Drawings account and cash account. क्योंकि owner took away the cash from business. Okay. So drawings and cash. अच्छा. Drawings is what type? क्या रूल अप्लाई करोगे आप? बढ़ा तो डेबिट. हाँ ओके, बढ़ा तो डेबिट. परफेक्ट, बढ़ा तो डेबिट. परफेक्ट, या डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर. परफेक्ट. एंड कैश? कैश गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कम हो गया तो क्रेडिट. तो फाइनली क्या डेबिट होना चाहिए? Drawings will be debited and cash will be credited. Drawings will be debited and cash will be credited. So drawings account will be debited to cash account. Drawings account will be debited to cash account. ऐसे ही लिखना है. फॉर्मेट आपको याद है? थोड़ा पैरा जितना स्पेस छोड़ देना है. ओके. एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 2000 डेबिट, 2000 फॉर क्रेडिट. डेबिट का डेबिट के लाइन में, क्रेडिट का क्रेडिट पे लाइन में. और फिर नीचे क्या लिख रहा है ब्रैकेट्स में? बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. परफेक्ट. बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. दैट्स योर नरेशन. ओके. नरेशन का यूज क्या होता है? क्रॉस चेकिंग. आप एंट्री के साथ हमेशा वेरीफाई कर सकते हो. टैली में भी आप अकाउंट्स में, जब कंप्यूटर पे अकाउंट्स करोगे तो आप देख सकोगे. आप जर्नल एंट्री जैसे एंटर करोगे द कंप्यूटर विल आस्क फॉर नरेशन. टैली विल आस्क फॉर नरेशन. तो उधर नरेशन में हम सब डिटेल दिखा के रख देते कि भैया आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो. इसमें आपका बिल नंबर, इनवॉइस नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है ना, वो भी आप रिकॉर्ड करके रख सकते इन द नरेशन पोर्शन. नरेशन पार्ट बेसिकली ऑल सिंपल इंग्लिश में आप डिटेल स्टोर करके रख सकते. देन परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक एंड सन्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स फ्रॉम दीपक एंड सन्स ऑन क्रेडिट. ओके. आई विल आस्क रिया गांधी, कैन यू टेल मी द टू अकाउंट्स? परचेज अकाउंट एंड दीपक एंड सन्स अकाउंट. वेरी गुड. परचेज एंड दीपक एंड सन्स. एनीवन हु फील्स इट शुड नॉट बी परचेज एंड दीपक एंड सन्स? पक्का क्रेडिट परचेज है तो कैश नहीं जा रहा है. तो परचेज एंड दीपक एंड सन्स. प्रियल, कैन यू टेल मी द टाइप ऑफ परचेज एंड दीपक इन ट्रेडिशनल? परचेज इज एसेट एंड रियल एंड एसेट. नॉमिनल एंड एक्सपेंस. सॉरी, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. एंड दीपक एंड सन्स इज पर्सनल लायबिलिटी. ओके. यशवी, कैन यू टेल मी द रूल एप्लीकेबल? परचेज इज नॉमिनल एंड दीपक इज पर्सनल. सो व्हाट यू रूल विल अप्लाई टू परचेज? Purchase will be debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. हाँ, तो rule क्या डालोगे यहाँ पे purchase में? वही होगा ना? दोनों debit all expenses and credit all income. तो वैसे debit. Debit all expenses. Debit वाला. हाँ. और what rule will apply to Deepak? Credit the debit the giver. Debit the giver. Credit the receiver. Credit the receiver, debit the giver. Are you sure? Sorry. Debit the receiver and credit the giver. So finally, देखो क्या हो रहा है. Purchase is debit, expense, okay, debit all expense and losses. And Deepak is giving us the goods on credit, right? So credit the giver. Modern भी रख सकते हो. Modern में क्या हो रहा है? Expense बढ़ रहा है, purchase बढ़ रहा है, तो debit. And creditor मतलब क्या? Liability बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है, पैसा देना बढ़ रहा है. बराबर है. तो क्रेडिट. सो व्हाट विल बी योर फाइनल एंट्री, जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड सन्स अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड सन्स अकाउंट. व्हाट्स योर अमाउंट? 60,000 रुपीज.
purchase account debit to Deepak and Sons account 60,000 rupees. Is that clear? Being goods purchased from Deepak and Sons on credit. Being goods purchased from Deepak and Sons on credit. Is that clear? Being goods purchased from Deepak and Sons on credit. Goods kharida hai, paisa dena baki hai. Who is Deepak and Sons for us? Creditor. उसको पैसा देना बाकी है, याद रखना. अब आपको आगे देंगे कि paid to Deepak and Sons. Paid to Deepak and Sons 20,000 rupees. Suppose ऐसा दिया है. Paid to Deepak and Sons 20,000 rupees. Then what will be the two accounts? Deepak and Sons and cash. Deepak and Sons cash and cash. Cash account. बराबर है. फिर क्या होगा? Deepak and Sons is the receiver and cash is credit what? अभी है नहीं, अगर आया तो आगे भी है. है, है. चलो एट के बाद पहले नाइन्थ कर. नाइन्थ अगस्त को क्या हो रहा है? रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम हेमा. रिसीव्ड कैश ऑन अकाउंट फ्रॉम हेमा. टेल मी, थिंक एंड टेल मी व्हाट आर द कैश अकाउंट एंड हेमा अकाउंट. कैश अकाउंट एंड हेमा अकाउंट. कैश को रूल क्या बोलते हैं? कैश इज रियल, राइट? सो व्हाट रूल विल अप्लाई? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हेमा क्रेडिट द गिवर. फाइनली कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड हेमा अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो कैश अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट. बराबर है. कितना पैसा आ रहा है हेमा से? 35,000. कैश अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट 35,000. अच्छा, हेमा से ऐसे पैसा लेना बाकी था. ओके, मॉडर्न भी अप्लाई कर सकते हो. मॉडर्न में क्या होगा? कैश एंड हेमा बोथ आर एसेट्स. व्हाई बोथ आर एसेट्स? गॉट इट? कैश तो एसेट ही है, हेमा डेटर है, इसलिए एसेट है. तो कैश बढ़ा तो डेबिट, और हेमा घटी, डेटर घट गया. जितना पैसा देगी उतना घट जाएगा. डेटर घट गया तो क्रेडिट. गॉट इट? तो कैश अकाउंट डेबिट टू हेमा अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमा. बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमा. कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? किसी को नहीं समझ में आया बीच में, स्टॉप मी, आस्क एनीवन. जिया को समझ रहा है? विनीशा, क्लियर विद क्लासिफिकेशन नाउ? डाउट्स क्लियर हुआ सब? बढ़िया. चलो, हर्ष को कोई डाउट्स? हर्ष क्लियर है सब? चलो नेक्स्ट वन. नाइन्थ के बाद है टेंथ वन. पेड कैश टू दीपक एंड सन्स. पेड कैश टू दीपक एंड सन्स टेंथ वन. दीपक एंड सन्स को पैसे दिए. थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द टू अकाउंट? दीपक एंड सन्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? यस. दीपक एंड सन्स इज व्हाट टाइप? पर्सनल. या करेक्ट. पर्सनल. कैश रियल. बिजनेस इज पेइंग टू दीपक एंड सन्स. क्या रूल अप्लाई करोगे दीपक एंड सन्स? डेबिट द रिसीवर. कैश क्रेडिट गोज आउट. एंट्री एंट्री क्या बना आपका? दीपक एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दीपक एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना है दीपक एंड सन्स टू कैश? हाउ मच आर वी पेइंग? 25,000. तो 25,000 फॉर डेबिट, 25,000 फॉर क्रेडिट. एंड नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग कैश पेड टू Deepak and Sons. Being cash paid to Deepak and Sons. Is this clear? ऐसा एग्जाम में आपको 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन आता है जर्नल का, जिसमें यू हैव टू डू 10 to 15 ट्रांजेक्शन. 10 से 15 ट्रांजेक्शन आपको पूछते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज. डिफरेंट कॉलेजेस दे आस्क डिफरेंट नंबर. 10 to 15 मार्क क्वेश्चन यू गेट. 10 to 15 एंट्रीज यू नीड टू पास द एंट्रीज फॉर.
जम रहा है अभी पर एंट्री में भी वन मार्क टू मार्क डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एंट्री. देन आगे और आएंगे कंबाइंड एंट्री भी आएंगे देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट वन 11th August 14. अच्छा मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करते रहना दिमाग में. ओके मॉडर्न कंसेप्ट भी अप्लाई करना. दीपक एंड सन्स में क्या होगा मॉडर्न कंसेप्ट. हु वाज दीपक एंड सन. लाइबिलिटी था क्रेडिटर था. लाइबिलिटी यस वाज क्रेडिटर. एंड व्हाट अबाउट कैश. Asset. Cash increased asset. Or decreased? Asset decreased. And liability increased or decreased? Decreased. Liability also decreased. Credit. अब जितना उधार चुका दोगे उतना आपका liability कम हो जाएगा. तो debit. Got it? Paid rent. Forum, can you tell me the two accounts over here? Paid rent. Cash and rent, very good. What type? Dishita. Dishita, हमारी celebrity है Dishita, बोलो मेरे को. What are the two types of rent and cash? What are the types? Rent is expense and cash is asset. मतलब. Okay, correct. Traditional में rent is nominal and cash is real. Okay. So rent is expense and cash is asset. Okay. Hitanshi. What rule will apply to rent and what rule will apply to cash? Rent will be paid rent. Paid rent will be debit the giver. Nominal rent. Can we call rent as liability? How come it is liability? Liability तब होगा जब payable है देना बाकी है. Got it? This is incurred every month and you are paying. Dena baki hoga to liability. Wo aayega aage. I'll explain that. So this is paid rent. Incurred and paid, right? Immediately jaisa time aaya, pay kar diya humne. So rent is expense. Ye sab ko samajh aaya? Rent is expense and cash is asset. So rule kya hoga? Hitanshi, rent is expense, na? So nominal ka rule kya hai? Debit all? Expenses and losses. And cash ka real hai na? Aa raha hai ki ja raha hai? Aa raha hai. देखो आपने रेंट पे किया है. रेंट पे किया है मतलब रेंट इज एक्सपेंस. ये समझ आया सबको. तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश रियल. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पे करोगे तो जाएगा कैश. रेंट पे करोगे तो रेंट नहीं जाएगा ऐसा मत सोचना. रेंट पे करोगे तो कैश जाएगा. रेंट इज एक्सपेंस. लाइक आपने गुड्स खरीदा फॉर कैश तो परचेज डेबिट हो रहा है ना एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट होगा. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट. ऐसे रेंट इज एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट. गॉट इट. तो रेंट इंक्रीज इज खर्चा बढ़ गया. वैसे भी सोच सकते हो मॉडर्न कंसेप्ट है. रेंट इंक्रीज एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट. कैश डिक्रीज एसेट कम हो गया तो क्रेडिट. हाउ मच वाज रेंट पेड. 12,500. ओके दिस इज बीइंग रेंट पेड. बीइंग रेंट पेड बाय कैश नहीं आया. बीइंग कैश पेड फॉर रेंट. बीइंग कैश पेड फॉर रेंट. रेंट पेड बाय कैश. ओनली रेंट पेड. Paid में कुछ नहीं दिया मतलब कैश ही है. या व्हाट आर यू आस्किंग फोरम. रिसीविंग द रेंट सो दे विल मेंशन राइट रिसीव्ड रेंट. हां ऑब्वियसली दे विल मेंशन रिसीव्ड रेंट. पेड रेंट मतलब पेड एक्सपेंस. रिसीव्ड रेंट मतलब इनकम. दे विल मेंशन दैट. यस ऑल ऑफ यू गॉट दिस. सर विल इट नॉट कम बीइंग रेंट पेड फॉर कैश. Yes, you can write. Narration, I told you, na. You can write it in your own words. It should just convey the meaning. Rent paid for cash. Rent paid by cash. Being cash given for rent. Okay? It should just convey the meaning. Only rent paid bhi likha na, to chalega. Kyunki kuch nahi diya, matlab aapne cash hi diya. Rent paid. Kaise diya, kuch malum nahi hai. To cash. You have paid it by cash. Alright? Received commission. Next वाला आ गया. देखो फोरम का डाउट.
12th August. Received commission. Who will answer this? Jainam, tell me. What are the two accounts? Cash account to commission account. The entry bol diya, wow. Superman. Okay, cash and commission are the two accounts. Nishant, can you tell me the type? Cash and commission. Cash, real. Yeah, and commission? Nominal. Nominal, perfect. Pujan, can you tell me the rules? Cash on debit. Debit your commission can be income. इट इज इनकम कैन बी नहीं इट इज इनकम रिसीव्ड कमीशन मतलब आपको क्यों मिलेगा क्योंकि इट इज योर इनकम अगर एक्सपेंस होता तो आप के पे करते ना यस पूजन कैश डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कमीशन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वेरी गुड परफेक्ट सबको समझ आ रहा है रिसीव्ड कमीशन का मतलब कैश आया एंड कमीशन इज इनकम ना इसलिए आपने कमीशन रिसीव किया अर्न किया इसके लिए गॉट इट पे किया होता तो एक्सपेंस हो जाता आपका तो दिस इज कैश हाँ तो फाइनली डेबिट क्रेडिट क्या होगा बताओ अभी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट यू कैन रिलेटेड टू कैश सेल ऑफ गुड्स आपने गुड्स कैश में बेचा तो क्या होता है कैश आता है एंड सेल्स इज इनकम सिमिलरली यहाँ पे कैश आया एंड कमीशन इज इनकम समझ आई आपको रेंट मिला है तो कैश आया एंड रेंट इज इनकम को इंटरेस्ट मिला है तो कैश आया इंटरेस्ट इज इनकम Are you understanding that? So, this is cash account debit to commission account. How much? 1750. This is being commission received. You can also write being commission received in cash. Being cash received for commission. Okay? Narration tension mat lo. आप लोगों को क्वेश्चन भी कॉपी करना है लास्ट में तो चल जाएगा नो प्रॉब्लम ओके बढ़े आगे नेक्स्ट पॉइंट मेसर्स काजल एंड कंपनी रिटर्न्ड गुड्स ये थोड़ा नया आया मेसर्स काजल एंड कंपनी रिटर्न्ड गुड्स थिंक अबाउट दिमाग लगाओ वेरी गुड सेल्स रिटर्न अकाउंट याद है किसी को डिस्कशन के वक्त आया था सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न देखो परचेज किया हुआ गुड्स अगर डिफेक्टिव निकलता है तो हम लोग रिटर्न करते हैं तो दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न बराबर है सेल्स किया हुआ गुड्स अगर वापस आता है तो इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न इट्स कॉल्ड सेल्स रिटर्न ओके तो वन अकाउंट इज सेल्स रिटर्न क्योंकि काजल ने अपने को रिटर्न किया ये बेचा हुआ ही रिटर्न हुआ होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट It cannot be purchase returns. Purchase return kab hoga? Jab we return goods to someone else. Here we are not returning. She is returning to us. Or they are. Casual is returning to us. So it is sales return. One account is sales return. What is the other account? Casual and company. Why? Because always returns will be on credit. Credit ka matlab, aapko kabhi koi return karega na goods, to aap usko paise nahi doge. You will never give cash. आप क्या करोगे वो गुड्स देखोगे जांचोगे परतोगे और फिर नए गुड्स उसको 6-7 दिन बाद सप्लाई करोगे ओके कभी भी आप दुकानदार से कोई गुड्स खरीदते हो सूटकेस खरीदा मोबाइल फोन खरीदा और कुछ प्रॉब्लम आ गई आप दुकानदार के पास गए आपने बोला ये डिफेक्टिव है तो क्या दुकानदार आपको पैसे दे देता है कभी भी इमिडिएटली कोई रिफंड करता है कोई रिफंड नहीं करता है क्या करता है आपसे देख लेगा गुड्स ले लेगा और 2-4 दिन रखेगा और फिर आपको नया गुड्स देगा रिप्लेस करके ओके तो यहाँ पे क्या हुआ है हमने काजल को पहले गुड्स बेचा था हमने काजल को गुड्स बेचा था तभी क्या था काजल वॉज द रिसीवर एंड सेल्स वॉज अवर इनकम ऐसा हुआ था समझो काजल को हमने 10,000 का गुड्स बेचा था सर बट इट शुड हैव गारंटी और वारंटी नो देन इट विल गिव यू गारंटी और वारंटी क्या होता है वो तो गुड्स के ऊपर रहता है आपका अगर रिप्लेसमेंट है तो वारंटी है पूरा सॉरी डिफेक्ट है तो आपका वारंटी है डिफेक्ट में आपका वारंटी पीरियड में कवर हो जाता है पार्ट का एंड ऑल गारंटी में पूरा रिप्लेस करके मिल जाता है आपको एंटायर कमोडिटी गेट्स रिप्लेस बराबर है बट जनरल अपना जो ये बिजनेस होता है ना डेटर क्रेडिटर का जो होलसेल रिटेल का बिजनेस चलते रहता है उसमें ये डिफेक्टिव गुड्स का एक डिसाइडेड ही रहता है सबके बीच में ना टर्म्स डिसाइडेड रहता है
कि कुछ डिफेक्टिव निकला ना तो 10 दिन के अंदर गुड्स वापस कर देने का, तो नया गुड्स आ जाता है, ये कॉमन चीज रहता है। ये गारंटी वारंटी है ना कस्टमर के लिए रहता है मेन, ये कस्टमर कभी खरीद के लेके गया और प्रॉब्लम हुआ तो गारंटी वारंटी सब अप्लाई होता है। डीलर्स एक दूसरे के साथ डील करते हैं ना उसमें गारंटी वारंटी का कंसेप्ट नहीं होता है, उसमें क्या रहता है क्योंकि वो लोग तो यूज नहीं करते ना, वो लोग तो आगे बेचने के लिए खरीदते हैं। यू अंडरस्टैंड, हम लोग भी कौन है, हम लोग भी डीलर है, हम लोग आया हुआ गुड्स बेच रहे हैं आगे, गॉट इट। तो यहाँ पे अपने को गारंटी वारंटी देखने की जरूरत नहीं है, अपना इधर डिफेक्टिव निकला तो 10 दिन में अपन वापस कर देगा, दूसरा गुड्स आ जाएगा। ऐसे अपने को किसी ने दिया तो हम लोग डिफेक्टिव गुड्स आगे, मतलब अपने को किसी ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया तो हम लोग उसको 10 दिन के अंदर रिप्लेस करके वापस दे देंगे, ऐसा। दैट इज फॉर कस्टमर्स, जो फाइनल यूज का रहता है ना गारंटी वारंटी, तो अपने को वो कंसेप्ट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ। सो कमिंग बैक टू सेल्स, जब हमने काजल को गुड्स बेचा होगा तब क्रेडिट पे बेचा होगा ये एंट्री, समझो क्रेडिट या कैश कैसे भी बेचा हो तो ये एंट्री हुआ होगा आपका काजल टू सेल्स, ये समझ में आया। क्रेडिट सेल्स, काजल इज द रिसीवर, सेल्स इज इनकम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम। देन अभी काजल ने डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया ना तो उल्टा हो गया, उल्टे के वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए सेल्स टू काजल, सेल्स टू काजल उल्टा कर दिया हमने क्योंकि काजल ने अपने को गुड्स वापस दे दी, बराबर है। तो ये सेल्स के जगह वी राइट सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, वी राइट सेल्स रिटर्न्स टू काजल। मतलब अभी क्या हो रहा है, काजल इज द गिवर सो क्रेडिट द गिवर, काजल इज द गिवर सो क्रेडिट द गिवर, एंड सेल्स रिटर्न, याद है क्लासिफिकेशन के वक्त बताया था व्हाट वाज सेल्स रिटर्न, नॉमिनल, नॉमिनल, एंड इट वाज नॉट रिडक्शन ऑफ इनकम, इज डिक्रीजिंग, इनकम इज डिक्रीजिंग, इनकम इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपका मॉडर्न कंसेप्ट ज्यादा फिट होगा, ओके okay? इधर ट्रेडिशनल का थोड़ा फ्लॉ आ जाता है, इसलिए मॉडर्न बिठाओगे ना तो परफेक्ट फिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न इज व्हाट, रिडक्शन ऑफ इनकम, एंड काजल इज व्हाट, डेटर और क्रेडिटर, हमने काजल को गुड्स बेचा है, हु इज काजल, डेटर, हमने काजल को गुड्स बेचा है ना, शी इज अवर डेटर, राइट, डेटर से पैसा लेना बाकी है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो काजल को गुड्स बेचा है तो शी इज अवर डेटर, तो काजल इज डेटर एंड सेल्स रिटर्न्स आर व्हाट, रिडक्शन ऑफ इनकम, सेल्स रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ इनकम एंड काजल इज डेटर सो एसेट। अब मुझे रूल अप्लाई करो मॉडर्न वाला, इसमें इनकम बढ़ी की घटी, घटी घटी, यहाँ पे आया आपका इनकम कम होना, यूजुअली हमेशा इनकम बढ़ता था, याद है, यहाँ पे आया इनकम घटा, इनकम घटा तो क्या करते हो, डेबिट, डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। एंड काजल एसेट डिक्रीज्ड, एसेट हाँ बढ़ा की कम हुआ, कम कम हो गया ना, अभी गुड्स वापस कर दिया है तो उतना पैसा ज्यादा देगी कि कम देगी, कम देगी, उतना पैसा कम देगी तो काजल विल बी क्रेडिट। ट्रेडिशनल में भी सोच सकते हो आप, रिडक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न इज नॉमिनल, राइट, सेल्स रिटर्न इज नॉमिनल एंड काजल इज पर्सनल, तो पर्सनल को क्या रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, काजल ने गुड्स दिया आपने को, क्रेडिट द गिवर, गॉट इट। एंड सेल्स रिटर्न क्या था, रिडक्शन ऑफ इनकम था, तो लाइक एन एक्सपेंस, रिडक्शन ऑफ इनकम मतलब लाइक एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस, रिडक्शन ऑफ इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस हो जाएगा, रिडक्शन इनकम इज लाइक एक्सपेंस, इनकम घटी मतलब एक तरह का एक्सपेंस हो गया, ऐसा भी सोच सकते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स रिटर्न हुआ टू कैश, आपने इमिडिएटली कैश दे दिया, ऐसा नहीं होगा, ओके ये समझना जरूरी। जब भी आपको कोई गुड्स रिटर्न करेगा तो योर एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस के जैसा ट्रीट करना है, एंड पार्टी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इट कैन नॉट बी सेल्स रिटर्न टू कैश। ऐसा नहीं होगा कि आपने गुड्स आया और कैश दे दिया, कभी आप कैश नहीं दोगे उसको, it will be always on credit basis, it will be always on credit basis, is this clear? On the same lines ek aur example lete hain, fatafat dekh ke batana, agar maine ram se goods kharida hai credit pe,
तो मैं ये एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लेट अस से 10,000 राम से गुड्स खरीदा डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट द गिवर राइट 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 अभी मैंने ये डिफेक्टिव गुड्स राम को रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री करोगे आप राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट तो राम अकाउंट डेबिट उल्टा कर दूंगा टू व्हाट परचेज के जगह क्या हो जाएगा ये परचेज रिटर्न अकाउंट राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट मतलब क्या राम इज द रिसीवर नाउ तो डेबिट द रिसीवर मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं राम को तो राम इज द रिसीवर राइट तो डेबिट द रिसीवर एंड व्हाट इज परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न क्या था रिडक्शन ऑफ इनकम था कैसा रिडक्शन ऑफ इनकम बैठ रहा है कॉमन सेंस दिमाग में थोड़ा आपका इनकम घट गया सेल्स रिटर्न हो गया ना उतना गुड्स वापस आ गया वैसे परचेज रिटर्न क्या होगा आपका रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस तो लाइक एन इनकम रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस इज लाइक एन इनकम सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन बैठा दिमाग में परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का लॉजिक समझ आया सर कैन यू एक्सप्लेन द काजल एंड मॉडर्न कांसेप्ट हां काजल वाला मॉडर्न कांसेप्ट देखो क्या हो रहा है मॉडर्न कांसेप्ट में व्हाट इज सेल्स रिटर्न Reduction of income. Right. And what is Kajal? Debtor. Because you have sold goods to her. She is our asset. But if we have sold in cash then? If we have sold in cash, then the returns are generally in cash. Then the returns are generally in cash only if it is specified. Specify karke diya ki aapne cash diya to. Varna aapne cash mein bhi becha hai na. To bhi aapka returns credit pe hi hoga. मतलब आपने गुड्स बेचा और पैसा आ गया समझो बराबर है गुड्स बेचा और पैसा आ गया तो अभी काजल इज नो मोर अवर डेटर काजल इज नो मोर अवर डेटर मतलब उसको कुछ पैसा ऐसा लेना बाकी नहीं है तो यहाँ पे क्या होएगा काजल को हम फ्रेश क्रेडिट देके क्रेडिटर बनाएंगे मतलब उसको कुछ तो बेनिफिट या कैश देना बाकी है ऐसा हो जाए कभी भी पैसा नहीं देंगे रिटर्न कैश में बेचो गुड्स या क्रेडिट में बेचो आप रिटर्न्स तो हमेशा क्रेडिट में ही होगा मतलब काजल ने आपको रिटर्न किया तो आप काजल को ही क्रेडिट दोगे और उसको दो तीन दिन बाद नया गुड्स वापस सेल कर दोगे तब आप ये एंट्री कर दोगे काजल टू सेल्स काजल अकाउंट डेबिट टू सेल्स वापस नया गुड्स बेचने का एंट्री तो जब सेल्स रिटर्न होगा ना तो वो क्रेडिट पे ही अज्यूम करना है कैश पे कभी नहीं दिया है कैश पे रिटर्न हुआ है तो ही कैश अज्यूम नहीं तो हमेशा क्रेडिट क्रेडिट का मतलब क्या है कि काजल इज ओनली द गिवर काजल इज द गिवर अगर डेटर नहीं है तो अभी उसको नया क्रेडिटर बनाओ काजल को क्रेडिट देके क्रेडिटर बनाओ मतलब काजल को हमें कुछ देना बाकी है और फिर हमने ये गुड्स दे दिया तो अभी काजल को हमने गुड्स देके सेटल कर काजल टू से वापस ये एंट्री आ जाएगी रिप्लेस करके दे दोगे आप लेकिन आपको ये एग्जाम्पल्स अभी नहीं है थोड़े हायर लेवल पे आएंगे दो तीन चैप्टर्स के बाद तो फिलहाल दीज एग्जांपल्स यू आर हैविंग ओनली नॉर्मल क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट रिटर्न ये समझ में आ गया पहले क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट रिटर्न मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हाउ काजल इज डेटर क्रेडिट सेल्स मींस लाइक वी हैव नॉट शी हैज नॉट पेड वी हैड गिवन इट टू हर ऑन क्रेडिट एंड शी इज रिटर्निंग द बैक द क्रेडिट यस क्रेडिट सेल्स मतलब वी हैव सोल्ड हर ऑन क्रेडिट बेसिस पैसा लेना बाकी है एंड उसने रिटर्न किया तो अभी वो कम हो गया ना डेटर तो दैट्स व्हाई डेटर डिक्रीजेस तो एसेट डिक्रीजेस तो क्रेडिट सो दिस विल बी रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस और नो रिडक्शन ऑफ एसेट काजल वाज डेटर एसेट एंड सेल्स रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ इनकम आपकी इनकम कम हो गई परचेज रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस सेल्स रिटर्न इज रिडक्शन ऑफ इनकम आपने काजल को 10,000 का गुड्स बेचा तो इनकम हुआ ना 10,000 का आपका वो 10,000 उसने रिटर्न कर दिया तो इनकम घट गई समझ रहे तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर दिया एंड काजल भी घट गई क्योंकि शी इज नो मोर अवर डेटर क्योंकि उसने गुड्स रिटर्न कर दिया डेटर घट गया तो एसेट डिक्रीज तो यहां पर व्हाट शुड बी योर एंट्री नाउ थिंक अबाउट काजल रिटर्न गुड्स तो क्या होगा आपका एंट्री काजल एंड कंपनी काजल एंड कंपनी अकाउंट
काजल एंड कंपनी अकाउंट, कितने का गुड्स उसने रिटर्न किया? 10,000. मुझे सोच के बताओ, डिड वी रिफंड द मनी इमीडिएटली? क्या इसको हमने पैसे दे दिए इमीडिएटली? नो, वी हैव नॉट गिवन हर द मनी. वी हैव शोन इट एज अ क्रेडिट, मतलब हमने डेटर को फिलहाल कम कर दिया. ओके, अगर हम पैसे दे देते ना तो क्या एंट्री होता? सेल्स रिटर्न टू कैश. सेल्स रिटर्न, रिडक्शन ऑफ इनकम टू कैश. कैश दे दिया इमीडिएट, कैश क्रेडिट व्हाट गोज अप. हम लोग रिफंड नहीं करते इमीडिएटली, इसको पेंडिंग रखते हैं. अब 2-3 दिन बाद मैं उसको वापस गुड्स बेच दूंगा. काजल को है ना, डिफेक्टिव गुड्स उसने रिटर्न किया है ना, मैं उसको वापस दे दूंगा, तब मैं ये एंट्री करूंगा. काजल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. दिस विल बी आफ्टर 2-3 डेज व्हेन आई रिप्लेस द गुड्स एंड गिव इट बैक टू. समझ में आई बात? तो वापस गुड्स बेच दिया, वापस शी इज माई डेटर, वापस मुझे पैसा लेना बाकी. ऐसा होता. तो प्रैक्टिकल बिजनेस में हमेशा याद रखना, आपका जो डेटर होता है या जो आपका क्रेडिटर होता है, जो भी आपको रिटर्न हो रहा है या आप रिटर्न करते हो, तो कभी पैसे नहीं आने वाले इमीडिएट. रिटर्न विल बी ऑलवेज ऑन क्रेडिट बेस. ओके, कीप दैट इन माइंड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय काजल. रिटर्न्ड बाय काजल, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय काजल. ओके, इधर आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट ज्यादा फिट होगा ट्रेडिशनल. सो दैट्स अबाउट इट. दैट्स योर जर्नल. आई थिंक वी हैव फिनिश्ड द 13 ट्रांजैक्शन इन द फर्स्ट सम. सो डोंट वी हैव टू कास्ट द होल थिंग टोटल? हाँ करेंगे ना, आप लोग अभी टोटलिंग करेंगे. यस, एक मिनट, आई एम ऑडिबल ऑल ऑफ यू? आई थिंक किसी को आवाज. कशिश, आई थिंक नेटवर्क इश्यू है तुम्हारा. जस्ट लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. बाकी सबको ऑडिबल है ना क्लियरली? यस ऑडिबल. ओके ओके, चलो लास्ट में. वंस यू हैव फिनिश्ड दिस, यू हैव टू टोटल अप द जर्नल. नाउ दिस टोटल इज ऑप्शनल. ओके, एग्जाम में. Sir, we have Anand sir's class. Can we leave? Yeah. You both can leave. Thank you. Total it up. Total up कर लो, कितना आ रहा है ये? अगर आपके पास लास्ट में टाइम हो तो ये करना. दिस इज ऑप्शनल, इसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इट इज. ओके, तो टोटल ऑफ जर्नल एट द एंड इफ यू हैव टाइम, ऐसे डबल अंडरलाइन करके कर लेने का. गॉट इट? 381250 is your total. छोटा सा सम है, सम नंबर 2. सम नंबर 2 ले लेते हैं फटाफट. लेट्स फाइंड अप, ड्रॉप द जर्नल. क्वेश्चन 2 का जर्नल ड्रॉ कर लो सब लोग. Sir, we have to continue or we have to make a new one? New one. Journal always new one on a new page. Okay. So they haven't given... What they haven't given? The year. In the second question, they haven't given the month or the... It is January 2016. Just write the year. It is January 2016. And in whose books we are supposed to write in question 2? Mr. Rasik. Okay, in the books of Mr. Rasik. Business ka naam diya hai to business ka naam likh dena, agar nahi diya hai to owner ka naam. What was the total of the previous sum? Total of previous sum, 381,250. Thank you, sir. Welcome. 381,250. Same format of journal. Date,
particulars, LF, debit and credit. Okay. Then. Purchased goods for cash, 1,50,000 rupees. Purchased for cash, 1,50,000. Year udhar diya nahi hai. It is January 2016. So 1116. Purchase goods for cash, 1,50,000. Tell me. Purchase and cash. Yes. Purchase and cash. Purchase is nominal. Cash is real. Purchase ko rule kya hoga? Ruchi, debit all. Expenses and? Debit all expenses or losses. And cash? Cash is personal. Cash is personal. It's real. No, sorry. Credit what goes credit out. Credit what comes in. Goes out. Credit what goes out. It is purchase account debit. That's your expense. So debit all expenses and losses. Be alert with the rules. Rule galat, sab galat. Kalyan. Purchase account debit. Debit all expenses and losses to cash account. Credit what goes out. Purchase account debit to cash account, that's 1,50,000 rupees. In modern concept, both will be assets, no? No. Modern concept, purchase is expense. Biggest expense. Haan. Biggest expense for any business, nominal. Okay? And cash is asset. So, expense badh gaya na, kharida goods to expense badh gaya, to debit. And asset ghat gaya, to credit. Is that clear? First one, all of you got being. Oh, sir, took that slash and the hyphen every time. What slash? Like after, like if I write 1,50,000, then those are commas. Hyphen dikh raha hai. These are commas, yaar. Wo amount ke beech mein rehta na comma, wo hai. Nahi likha to chalega. That's okay. Commas ho. Zeros ka comma. Okay. Being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. Okay. You can skip the commas. That's okay. Then next transaction is happening on 5th of July 16. Dimag laga ke bolna. Okay. Paid salaries 20,000. What are the two accounts, Yashraj? Yes, sir. Paid salaries 20,000. What are the two accounts? Salary account and cash account. Perfect. Salary and cash. Preet, can you tell me the types? Salary is nominal and cash is real. Perfect. Rutva, can you tell me the rules? Capital, expenses and losses and credit what goes up. Perfect. So ultimately, kya debit hoga, kya credit hoga, samajh mein aa raha hai sabko? Salaries account will be debit all expenses debit. And loss. And cash goes out. So credit what goes no. out. Credit. Finally, salaries account debit. Salaries are our expense to cash account. Salaries account debit to cash account. Salaries account debit to cash account. Being salaries paid. Being salaries paid. Being salaries paid. Is that clear? Any doubt in this? Anyone tell me. Clear tha? Expense badha to debit, asset ghata to credit. That's modern. Expense badha to debit, asset ghata to credit. Sold goods for rupees 2,50,000. Sold goods for rupees 2,50,000. Are we selling on cash or credit? Cash because there is no party. Cash because there is no party's name. Yaad hai condition for cash and credit. Party ka naam hai hi nahi. First condition violated. So it's a cash transaction. Samajh mein aaya sabko? तो पैसा आया और सेल्स इनकम जनरेट हो गई. सो व्हाट विल बी द टू अकाउंट्स पलक?
Cash. Cash and? Cash account debited to sales. Cash account and sales. बराबर है? Cash क्या हो रहा है? Debit what? Comes in. And sales को क्या apply करोगे? Credit all incomes and? Comes in. Gains. This is our income. Biggest income. All of you got that? Tanya, is it clear? Nail? It will be cash account debit. Cash आ रहा है. Debit what comes in? To sales account. Cash account debit to sales account. कितना है? 2,50,000. Sorry? 2,50,000 being goods sold for cash. Okay. Being goods sold for cash. Modern concept में क्या होगा? What is cash? What is sales in modern concept? Asset and income. Cash. Assets and income. Asset increase. So. Asset increases. Very good. Asset so debit and income. Debit. Income also increase. Income also increase. Income also increases. Income also increases. Okay. Income also increases. So credit. Then next one is purchased furniture rupees 30,000. Purchased furniture rupees. What happened? Furniture account and cash account. Yeah, yeah, yeah. Perfect. 18th of January. Furniture and cash. All of you got this? Furniture and cash. Better hai dimag mein. Why not purchase? Why not purchase? Why not purchase? Purchase is only for goods. We are not dealing with goods. This is an asset. Is that clear? So purchase are for goods. So furniture and cash. Okay. Diyanshi, you just wait after the lecture. Okay. I'll give you the details. Okay? Now, furniture account and cash. Acha, furniture is what? Real. Real. And cash is also real. Real. Okay, asset. Rule applicable to furniture kya hoga? Debit what comes in. Debit what comes in. Cash credit. Debit all expenses. Kya expenses? Debit all expenses and credit what goes out. Hey, Bapa, furniture would be an expense. No, it's an asset. Kone hai? Furniture is an expense. Hello? How can be furniture an expense? किसको लग रहा है फर्नीचर इज एन एक्सपेंस नहीं एसेट है एसेट है फर्नीचर इज एन एसेट इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर अनदर विनिशा इन द ग्रुप हु सेल्स फर्नीचर एवरी ईयर ओके हर साल फर्नीचर कोई रिप्लेस नहीं करता है ओके फर्नीचर पड़ा रहेगा लॉन्ग टर्म तक आपका बिजनेस में फर्नीचर पड़ा रहता है अब बेच नहीं देते एक साल या यूज नहीं हो जाता एक साल है ना विनिशा हर साल रिप्लेस करते हो फर्नीचर Do you replace furniture every year? No, na? So it is furniture, that's your asset. So furniture is asset, cash is also asset. So furniture is coming in, debit what comes in, and cash goes out. So credit what goes out, okay? So furniture account debit to cash account, 30,000 rupees, I think. Yeah. 30,000 rupees, okay? Expense or asset ka basic farak yaad rakhna. Expense ek saal mein expire ho jata hai. Asset ek saal mein expire nahi hota hai. Lamba benefit deta hai. लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देता है तो बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश मॉडर्न कंसेप्ट अप्लाई करो फर्नीचर एंड कैश बोथ आर एसेट्स एसेट फर्नीचर इंक्रीज इंक्रीज कैश डेबिट एंड कैश फर्नीचर इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज फर्नीचर एसेट इंक्रीज सो डेबिट डेबिट कैश एसेट डिक्रीज सो क्रेडिट Got it? Comfortable, all of you. Next one is what? Received rupees 80,000 from Mr. Vishal on account. Received rupees 80,000 from Mr. Vishal on account. The two accounts. Cash account and Vishal account. Cash and Vishal. Cash is what type? Real. Vishal. Personal. What is on account. ठीक है तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू विशाल अकाउंट Are you all able to frame this in your mind? Pura calculations table ka? Yes. Rules baith rahe hain dimag mein aapke?
कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, विशाल इज द गिवर, सो क्रेडिट द गिवर. सो कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट, दैट शुड बी 80,000 रुपीज. कैश अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट 80,000 रुपीज, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाल. Being cash received from Vishal. Modern concept. Vishal aise hi paise de dega. Who is Vishal? Who is Vishal? Next, sir. May I leave? I have next lecture of Rohan, sir. Ha ha. I know that. Don't worry. We have adjusted the time. Start up. Vishal is. Okay. Cash is asset and Vishal is. Vishal is the debtor. Cash is also debtor, asset, and Vishal is also debtor, asset. Cash bada ki gada. बड़ा दोनों बड़ा ओके. कैश इंक्रीज्ड सो डेबिट एंड डेटर डिक्रीज्ड सो क्रेडिट. डेटर आपको पैसा दे दिया ना तो पैसा नहीं आने वाला अभी डेटर. तो कैश इंक्रीज्ड एंड विशाल डिक्रीज्ड, डेटर डिक्रीज. पेड रुपीज 12,000 टू मिस्टर वसंत ऑन अकाउंट. टेल मी द टू अकाउंट. वसंत अकाउंट एंड कैश अकाउंट. वसंत अकाउंट एंड कैश अकाउंट. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? वसंत एंड कैश. Vasant is what type? Personal. Real. Vasant is personal and cash is real. Vasant ko kya rule apply karoge? Debit the receiver. Debit the receiver. The receiver. And cash? Credit what goes out. So finally, Vasant account is debit. Debit. And cash account is? Credit. Vasant account debit to cash account, that is 12,000. Vasant account debit to cash account 12,000, being cash paid to Vasant. We think and tell me what is Vasant and what is cash, modern system. Vasant is creditor. Yes, Vasant is creditor kyunki usko paisa hai. Liability and cash is asset. Liability kya hua? Vasant bada, liability bada ki ghata? करोगे तो लाइबिलिटी घटा तो क्रेडिट डेबिट सॉरी डेबिट लाइबिलिटी घटा तो डेबिट एंड एसेट कैश डिक्रीजेस सो क्रेडिट इज दैट क्लियर? यस. द लास्ट वन रिसीव्ड कमीशन. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. अब तो समझ आ गया. कैश एंड कमीशन. कैश इज रियल, कमीशन नॉमिनल. कैश डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड कमीशन क्या है? इनकम की एक्सपेंस. इनकम 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 रिसीव किया है तो इनकम है. तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. Cash account debit to commission account, being commission received. Modern भी apply करके बता दो मुझे. Modern क्या होगा? Cash is increasing. Cash बढ़ रहा है ना? Increasing, so debit. Commission? इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट. इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट. इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? यस सर. ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? यस सर. एनी डाउट? यस नो. यस नो सर. टोटल कर लो. टोटल 5,47,000. सब कैलकुलेटर लेके बैठे लगता है. 5,47,000. Don't use calculators, huh? You're not allowed. इधर गड़बड़ इधर डालोगे एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है. ओके एग्जाम में यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स. रिमेम्बर. दैट्स इट ऑल फॉर द डे. होमवर्क ले लेना है आपको. कल छुट्टी है. ओके तो कल शाम को आपको होमवर्क सबमिट करना है. मंडे को विल कंटिन्यू. होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स में. कल करने का है? वेट, कल शाम को सबमिट करना है 7 to 8 के बीच में. ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको करना है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, मतलब लाइन से जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको करना है 1, 3, 5, 6, 9,
11, 15, 17, 22, 27, 29, पूरा ही हो गया तो हाँ पूरा ही करना है ओके पूरा ही करना है फुल क्वेश्चन सिक्स इज फॉर होमवर्क फुल क्वेश्चन सिक्स जर्नल इज फॉर होमवर्क उसमें खाली मुझे बताओ आप ये वाला कैसे करोगे इलेवेंथ वन कैसे करोगे परचेज अ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट फ्रॉम शांता बिल्डिंग अकाउंट एंड शांता अकाउंट बिल्डिंग एंड कैश बिल्डिंग एंड शांता बिल्डिंग एंड शांता बिकॉज बिल्डिंग डेबिट व्हाट कम्स फ्रॉम शांता क्रेडिट द गिवर क्रेडिट पे खरीद एंड फॉर सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट टू शाहरुख खान व्हाट बी द टू अकाउंट बोलने का तरीका है ट्रांजेक्शन चल रहा है ठीक है सो इट इज कैश अकाउंट एंड सलमान खान अकाउंट ऑल ऑफ यू गॉट दैट And what about the last one? Paid cash to Amitabh on account? Cash account on Amitabh. Are you comfortable? Yes. Pura try karo from 1st till 31st. Pura sum, okay? Full question 6. Full question 6 is for homework. Kal sham ko 7 se 8 ke beech mein submit karna hai. Aaram se karna. Traditional, modern, dono apply karke karna. Koi ghai karne ki zarurat nahi hai. Speed apne aap badhegi aapki. Don't worry about speed, okay? कुछ डाउट्स हो तो मैसेज करना डाउट्स हो तो वेट करो और किसको वेट करना है दियांशी को वेट करना है बाकी सब लोग जा सकते हो डाउट्स है तो रुको